हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। काफ़ी लोगों ने क्वेरीज डाली थी, सर स्ट्रैप फाउंडेशन कहां पे यूज करूं, कंबाइंड फुटिंग कहां पे यूज करूं, इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि सबको अलग अलग क्वेश्चन के आंसर देने से अच्छा है कि एक बढ़िया सा वीडियो बनाते हैं, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक टाइप्स के फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए फाउंडेशन जो है, ये फाउंडेशन होता क्या है? सब स्ट्रक्चर। काफी लोगों को पता होगा फाउंडेशन क्या होता है, सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इस सब स्ट्रक्चर में अब इनके अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि फाउंडेशन जो डिवाइड हुआ है मेनली, जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, मेनली सेलो और डीप दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। बट प्रॉब्लम होती है जब आपसे सेलो के पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं या डीप के पार्ट पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सेलो का पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग दूसरा क्या है उसी में? स्प्रेड फुटिंग, करेक्ट, कंबाइंड फुटिंग और राड फुटिंग। आपको ये चार मिनियम बताने हैं फाउंडेशन के टाइप्स, कौन कौन से है? स्ट्रैप फुटिंग, स्प्रेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग और मैट फुटिंग, ये चार टाइप्स है। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा कहाँ यूज करते हैं। स्ट्रैप फुटिंग, चलो पहला हमने बोला स्ट्रैप फुटिंग, जिसका कवर 50 होता है। स्ट्रैप फुटिंग दो फुटिंग को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। स्ट्रैप फुटिंग जो है दो फुटिंग को कनेक्ट करने के लिए ये यूज में आता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा फुटिंग का टाइप है वो है आपका, जो आपने बोला अभी, स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग जो है, स्प्रेड फुटिंग क्या करता है? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब स्प्रेड फुटिंग बोलते ही आपका दिमाग थोड़ा सा ब्लैंक हो जाता है, ये कौन सा टाइप है सर? लेकिन जब मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड फुटिंग, आप बोलते हो अरे तो मैंने पढ़ा है। आइसोलेटेड फुटिंग या आइसोलेटेड फुटिंग या वॉल फुटिंग जो है, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्रेड फुटिंग। तो आपसे जब स्प्रेड फुटिंग बोला जाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए स्प्रेड फुटिंग के बारे में। स्प्रेड फुटिंग मतलब वही है, ठीक है, स्प्रेड फुटिंग मतलब आइसोलेटेड। अब आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड को कौन कौन से शेप में दे सकते हो। जैसे कि ट्रेपोजॉइडल आपको पता होगा, रेक्टेंगुलर पता होगा, आपको सर्कुलर पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं इंटरव्यू में, आपको कंफ्यूजन ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं इसे इस, आपने बोला ट्रेपोजॉइडल, वो आपसे बोलेंगे कि जो आपका वॉल फुटिंग है ये कहाँ पे यूज करोगे, मतलब रेक्टेंगुलर फुटिंग कहाँ पे यूज करोगे। तो आपको बताना है जब बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं है तो उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरीके से आइसोलेटेड जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक रेक्टेंगुलर शेप में जा सकते हैं जब लाइट वेट स्ट्रक्चर हो तब के लिए। बट अगर लाइट वेट स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग एज यूजुअल आइसोलेटेड का ट्रेपोजॉइडल शेप ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड फुटिंग के बारे में कुछ लोगों को पता रहता है कैसे, वो बोलते हैं कि एक कॉलम दूसरे कॉलम के पास में है तो उस पर हम लोग यूज़ करते हैं कंबाइंड फुटिंग, दैट्स करेक्ट। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेन रीज़न होता है कंबाइंड फुटिंग यूज़ करने का, प्रॉपर्टी लाइन। प्रॉपर्टी लाइन जब उनके पास पास है तो हम लोग यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जब सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी लेस है वहाँ पे भी हमें प्रीफर करना चाहिए कंबाइंड फुटिंग, क्योंकि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी लेस है तो उसको संभालने के लिए उसके पास एक एरिया बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है वहाँ पे हम इजीली कंबाइंड फुटिंग कर पाते हैं। पूरे घर में एक दो जगह ही ऐसे आते हैं जहाँ पे हम लोग कंबाइंड फुटिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके बाद दोस्तों, आपका जो लास्ट टाइप है आपके सेलो का, दैट इज़ मैट फाउंडेशन। जब आपका हैवी स्ट्रक्चर है, हैवी स्ट्रक्चर, मैट को राफ्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, राफ्ट फुटिंग और मैट फुटिंग दोनों सेम है। मैट का मतलब ही होता है चटाई, मतलब एक दूसरे को कंबाइन करना, ये कंबाइंड फुटिंग का ही दूसरा रूप है। कंबाइंड फुटिंग दो या दो से अधिक कॉलम के लिए यूज होता है, बट ये सारे कॉलम्स को मिला के यूज होता है। तो ये लार्ज स्ट्रक्चर के लिए जहाँ पे सॉइल बेयरिंग सेफ्टी भी लेस है और हैवी जाना है, लोड भी ज़्यादा है, ऐसे जगह पे हम लोग यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग दोस्तों, सॉरी मैट फुटिंग। दूसरा जो टाइप्स है दैट इज आपका जो डीप फाउंडेशन है। अब डीप फाउंडेशन जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पाइल फाउंडेशन। दूसरा आपका पाइल के साथ ही साथ आता है यहाँ पे वेल फाउंडेशन। और तीसरा आता है आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पायर फाउंडेशन, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिस पे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले पायर ही क्लियर करते हैं। पायर वगैरह को फ्लाई ओवर्स में यूज करते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल ज़्यादा हो, क्या हो, सैंडी सॉइल ज़्यादा हो, ऐसे जगह हम लोग यूज करते हैं पायर फाउंडेशन, ठीक है। और ये फ्लाई ओवर्स वगैरह में मैक्सिमम देखा जाएगा कि आप देख सकते हो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पायर फाउंडेशन को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद जो आपका आता है, जो आप देखे होंगे बड़े बड़े हाई राइज स्ट्रक्चर में, दैट इज़ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन के अलग अलग टाइप्स हैं,
ठीक है। ऑयल फाउंडेशन हमेशा वहाँ यूज होता है जहाँ पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत लेस हो और वाटर स्ट्रेटा हो, मतलब कि आसपास में वाटर का ज़्यादा, जैसे कि आपका हो सकता है रिवर हो, या हो सकता है आपके घर के बगल बगल समुद्र हो या सी वाटर हो, ऐसा जब रहता है तो वहाँ पे लोग पाइल यूज़ करते हैं। पाइल का जो रूल होता है कि अगर अच्छे से पाइल आपको करना है तो जो भी बिल्डिंग होता है उसका 40% नीचे जाना चाहिए पाइल, बट इतना हम लेके नहीं जाते। अगर 40% नीचे जाएगा तो बहुत ही सेफ स्ट्रक्चर बनेगा, बट बहुत ही इकोनॉमी स्ट्रक्चर बनता है, लोग यूज़ नहीं करते। इसमें दोस्तों कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, लोग आपसे पूछते हैं कि जहाँ पे इसमें जो अलग अलग टाइप्स, जैसे कि इंड बेयरिंग पाइल्स है, अब इंड बेयरिंग पाइल्स कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बाद बोल देंगे वहाँ पे बोलेंगे फ्रिक्शनल पाइल्स, और उसके बाद पूछ लेते हैं कास्ट इनटू सीटू, उसके बाद पूछ लेते हैं आपसे प्रीकास्ट पाइल्स। तो सबसे पहले हम बता दें इंड बेयरिंग, जहाँ पे हमें पता हो कि यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाएगी, यहाँ से हमें स्ट्रेटा हार्ड मिल जाएगा, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इंड बेयरिंग। इसके बाद फ्रिक्शनल पाइल्स, फ्रिक्शनल पाइल्स का फिक्स नहीं है कि आपको कितना नीचे जाके स्ट्रेटा मिलेगा, जहाँ पे स्ट्रेटा मिल जाता है वहीं पे हम उसको रोक देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल पाइल्स। और प्रीकास्ट पाइल, प्रीकास्ट पाइल दोस्तों हमेशा हैवी स्ट्रक्चर, इवन 80 टन्स, मिनिमम 80 टन होना चाहिए, तब जाके हम प्रीफर करते हैं प्रीकास्ट पाइल्स को। 80 टन का लोड अगर आ रहा है या उससे अधिक का लोड आ रहा है तो हम लोग वहाँ पे प्रीकास्ट पाइल्स को यूज़ करते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी होता है, बट उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको उसको पढ़ के रखना है, ठीक है। तो ये था पाइल, और इसके बाद आपका पायर हो गया, और वेल फाउंडेशन आप सब ने देखा होगा रिवर क्रॉस करते होंगे, वाटर स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वाटर का उसमें हमेशा यूज़ करते हैं, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं इन सब में, सब जगह पर यूज़ करते हैं वेल फाउंडेशन। दोस्तों इन सब में क्या यूज़ करते हैं, वेल फाउंडेशन। मैंने एक एक फाउंडेशन के बारे में आपको क्लियर किया, चाहे सैलो हो चाहे डीप हो, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं अभी आया था अपने विलेज में, सो अभी मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ को, लाइक मैं यहाँ पे फोटोज़ वगैरह कम लगा पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप लोग अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है राइट स्टेशन, मैंने अभी उसका नाम चेंज कर दिया है, आप लोगों ने बोला था राइट स्टेशन कर दिया है, उसमें काफ़ी लोग मेरा हेल्प कर रहे हैं। आप सब जितने हमारे डेली व्यूअर्स हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको तो आप लोग कर ही रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट मुझे राइट स्टेशन को भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडिंग के लिए उसकी मुझे ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोग राइट स्टेशन को भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे, जिससे कि इसमें हम लोग फ्री ढेर सारे कोर्सेस लेके आते रहें, और आपको भी नॉलेज शेयर करते रहें, और आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे, और साथ ही साथ ऑफकोर्स जब हम किसी को नॉलेज देते हैं तो हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।